बनियाडी सीसीएल प्रोजेक्ट ऑफिस के बाहर भाकपा माले ने शुक्रवार को पानी बिजली के सवाल पर आमसभा करते हुए धरना दिया। बताया गया कि जनप्रतिनिधियों और अफसरों को जनता की परेशानी दिख नहीं रही है। भाकपा माले जनता की आवाज बनकर हरेक मोड़ पर खड़ी हो रही है। इस मुद्दे को भी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। मौके पर भारी बरसात के बीच भी माले विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा के नेतृत्व में कार्यकर्ता प्रोजेक्ट ऑफिस पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। यहां यह कार्यक्रम राजेश सिन्हा, प्रीति भास्कर, उज्जवल साव, चांद नौशाद, मोहम्मद सलमान, सलाउद्दीन, रंजित यादव आदि की अगुवाई में किया गया। इस क्रम में कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर बिजली पानी के लिए आवाज बुलंद की गई। बताया गया कि पिछले एक महीने से सीसीएल क्षेत्र के लोग परेशान हैं। चुनाव के समय एक महीने चहल पहल खूब रहती है, किंतु जब समस्या आती है तो कोई देखने वाला नहीं होता है। सीसीएल प्रबंधन को बार बार चेतावनी दी जा रही है कि 3-4 दिनों में बिजली पानी बहाल कर ले जाए, वरना 6 अगस्त से सुबह 11 बजे से 5 बजे तक ऑफिस का कार्य ठप करा दिया जाएगा। कार्यक्रम में मोहम्मद शाहनवाज, कमरुद्दीन आसिफ, सज्जाद, सचिन, विवेक, एहसान, आशिक, सोनल अरवानी, सोनू, फिरोज अंसारी, छोटू अंसारी, समीम आदि मौजूद थे। जनता चुनाव के समय में घर घर जाके लोगों को, अभी घर घर पूछिए ना कि बिजली है, पानी है, आपको पूछना है। भाकपा माले तो आंदोलन के जरिए सभी लोगों को बताती है, लेकिन आपसे निवेदन है, आप मेरे बड़े भैया हैं, निवेदन है कि आपसे थोड़ा सा इस क्षेत्र पर ध्यान दें, क्योंकि जनता आपके साथ थी। दूसरी बात कि इन तमाम जो अफसरशाही है और जो समझ नहीं पा रहे, अच्छा एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नया चीज आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि यहाँ बार बार क्यों खराब होता है, इसके पीछे क्या है। हम आरटीआई से मांग करेंगे कि यहाँ ट्रांसफार्मर खराब होने में, एक ट्रांसफार्मर को बनाने में 2 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख लगता है, क्या उसको हड़पने के लिए बार बार ये खराब हो रहा है क्या। तो जो भी हड़प नीति में शामिल है उनको हम समाज के सामने ले आएंगे कि ये चोरी कर रहा है सीसीएल क्षेत्र में, और उस चोर को भी पहचान हम लोग करवाएंगे।